गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। आज आपकी ईशा आपकी थाइस को टोन करने के लिए बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज लेकर आई है, जिसे आप अगर जितने भी ज़्यादा लेजी हैं या फिर आपका एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता तो भी आपको ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आपका मन करेगा, क्योंकि ये ईजी होने के साथ साथ इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है, जो बहुत कम टाइमिंग में, मतलब मन तो लगेगा ही एक महीने में, लेकिन आपकी लेग्स को बहुत अच्छा टोन कर देगी और बहुत ही सेक्सी लुक देने वाली है। आपका जितना भी फैट है आपके थाइस पे, अगर आपके थाइस के बीच में गैप नहीं है, बहुत ज़्यादा फैट है, तो उसको भी रिड्यूस करेगी, आपके बट्स को बहुत अच्छी शेप में लेकर आने वाली है और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है, जो थाई मसल होती है ना, हमारी बॉडी की सबसे बिग मसल होती है, तो जब हम उसको टारगेट करते हैं तो उसका सेकेंडरी मसल कहाँ पे इफेक्ट जाता है, हमारे टमी पर। तो जब आप मेरी ये सारी एक्सरसाइजेस एक महीना लगातार करेंगे ना, तो पेट की कोई भी मत करना, आप नोटिस करोगे ऑटोमेटिकली आपका लोअर टमी और अपर टमी रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जब आप स्क्वाट करते हैं, जो भी एक्सरसाइजेस करेंगे, आपको खुद दिखेगा कि आपका बहुत टमी अच्छे से फ्लैटन हो रहा है। तो यानी एक एक्सरसाइज से दो दो जगह आपकी टारगेट हो जाएंगी, तो और क्या चाहिए, है ना। लेकिन इसके साथ साथ मैं हर वीडियो में आपको सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ बाहर का आपने जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना, फ्राइड फूड नहीं खाना, ठीक है। और अगर आप भी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लें, अपने वेट को और ज़्यादा बढ़ाकर अपने कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा मत गिराएं, बल्कि एनर्जेटिक रहेंगे अगर वर्कआउट करते रहेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @ईशा मेहरा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको चाहिए होगा डंबल। डंबल नहीं है तो आप वाटर बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल मत घबराइएगा। 2 लीटर की बॉटल ले लीजिए, अगर बिल्कुल हैबिट नहीं है तो 1 लीटर की ले सकते हैं, ठीक है। पहले हम करेंगे नॉर्मल स्क्वाट, जिसमें से आप लेग्स में गैप मेंटेन करेंगे जितना कि आपके शोल्डर में है, ठीक है, उतना आपने लेग्स में गैप मेंटेन करना है। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद में आपने अपने हिप्स को बिल्कुल बैक साइड पे लेके जाना है, ऐसे, ठीक है, आपकी नीज आगे नहीं जाएंगे, बैक साइड पे रहेंगे। आपने बेंड होना है, देन अप। जब अप हो रहे हैं आपके नीज मुड़े रहेंगे, आप देख सकते हैं नीज मेरे मुड़े हुए हैं, ठीक है। इनका लॉक आपने नहीं खोलना है, क्योंकि जब आप स्क्वाट करते हैं और लॉक खोल लेते हैं, जब आप बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं अपनी लेग्स को, बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं, जब आप जिम भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आप नोटिस करेंगे, तो उससे क्या होता है, फ्यूचर में आपकी नीज में बहुत ज़्यादा दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो मेक श्योर ये गलती बिल्कुल मत करिएगा आप, ठीक है। हम नॉर्मल स्क्वाट आपको करने हैं 20, और इसके करने हैं आपको 4 सेट, यानी 80 टाइम्स आपको उसको रिपीट करना है, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम वेटेड स्क्वाट। वेट जब हम लेके स्क्वाट करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा आपकी मसल पर आता है, आपकी मसल जल्दी टोन होना स्टार्ट हो जाती है। जब आप नीचे जा रहे हैं तो ब्रीथ आउट, ऊपर आ रहे हैं तो ब्रीथ इन। राइट, अब हम करेंगे वेटेड स्क्वाट, ठीक है। अब आपको मैं साइड की पोजीशन से दिखाऊंगी। इस तरीके से आपने बॉटल का नेक होल्ड करना है या डंबल को होल्ड करना है, लाइक दिस, ठीक है। वेट आप जितना ज़्यादा इंक्रीज करते जाएंगे उतना अच्छा होगा। हिप को बैक साइड, रिलैक्स। तो यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है फर्स्ट एक्सरसाइज। अब बारी आती है सेकेंड एक्सरसाइज की, जिसमें हम करने वाले हैं लंजेस, लेकिन हम करेंगे बैक लंजेस, फिर हम करेंगे फ्रंट लंजेस, ठीक है। आप 1 लेग को ऐसे रखेंगे नॉर्मल, दोनों फीट आगे रखिए। अब आपने इस वाले फीट को बैक साइड लेकर जाना है, ठीक है, बेंड होना है। बेंड होने के टाइम आपका नी आगे नहीं जाएगा, आपने यहीं पर जहां पर आपका पैर है वहीं आपने फोल्ड करना है, ठीक है, वहीं पर आपने इसको फोल्ड करना है, ऐसे बेंड होना है। बेंड होने के टाइम आप नोटिस करना कि बहुत लोगों का नी आगे खिसक जाता है, अगर आप आगे कर लेंगे तो आपके थाई मसल पे बिल्कुल भी लोड नहीं आएगा, वहां का फैट रिड्यूस नहीं होगा,
आपको ईच लेग करना है 20 टाइम्स और इसके आपने करने हैं 4 सेट्स। रिलैक्स अदर साइड पे। हर एक्सरसाइज में जब आप डाउन जा रहे हैं आपकी मसल एंगेज हो रही है, ब्रीथ आउट, ऊपर आ रहे हैं ब्रीथ इन, ठीक है। ओके डन। अगर स्टार्टिंग में आपसे लंजेस नहीं होते हैं उसका भी सोल्यूशन बताती हूँ। आपने फीट को आगे रखना है, दोनों लेग्स के बीच में ज़्यादा गैप मेंटेन करना है अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आप दोनों हैंड इस तरीके से नीज पे रखें, बेंड होए उठें, आपको थोड़ा बॉडी को सपोर्ट मिल जाएगा। इससे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए आप किसी के हैंड होल्ड कर सकते हैं, सपोर्ट के लिए कोई आपके सामने है उसके हैंड होल्ड करके, या फिर आप दरवाजे का जो कुंडा होता है उसमें दुपट्टा डाल के उस तरीके से भी स्क्वाट और लंजेस कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के आखिर में दिखाऊंगी आपको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मैं आपको वेरिएंट बता रही हूँ ताकि आप बस करें, कोई भी एक्सक्यूज़ ना दें, क्योंकि अगर लेग को अगर आप टारगेट कर लेते हैं तो आपकी लेग बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको फिर से डंबल या वाटर बॉटल का इस्तेमाल करना है, राइट। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से लेग्स को थोड़ा सा वाइड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल से, मतलब शोल्डर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, राइट। आपने डंबल इस तरीके से होल्ड करना है, पीछे की तरफ लेकर जाना है अपनी लेग्स के बीच में से, पीछे देन फ्रंट, बस चेस्ट तक, चेस्ट की सीध में आपने लेकर आना, अपने ब्रेस्ट साइज के सीध में, बहुत ज़्यादा अप नहीं जाना, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाना, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ पोजीशन। ठीक है, ये वाली पोजीशन आपको रखनी है हमेशा, ओके। 20 स्कोर 20 टाइम्स रिपीट करेंगे, 4 सेट्स करेंगे। एक और चीज़ बताना चाहती हूँ जो आजकल हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा, यानी घुटनों की जो तकलीफ स्टार्ट हो गई है ना यंग एज में भी, वो ज़्यादा आप लोगों के गंदा फूड यानी फ्राइड फूड, जंक फूड खाने की वजह से हो रही है, और बहुत सारे लोग खड़े होकर पानी पीते हैं। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है हाथ जोड़कर कि जब भी पानी पिएं तो हमेशा बैठ के पिएं। अगर आपके पास कोई कुर्सी नहीं है, बेड नहीं है, कोई जगह नहीं है, बस स्टॉप पे खड़े हैं, रोड पे खड़े हैं, तो जस्ट पैरों बाहर बैठ जाएं और उसके बाद सिप सिप करके पानी पी लें, ठीक है। इस तरह से आपने करना है, लेकिन ज़मीन पे आपने मतलब खड़े होकर पानी नहीं पीना, इस चीज़ का ध्यान रखें। और जब पानी की भरी बाल्टी उठाते हैं तो ये डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि जब भी आप उठाते हैं तो बहुत लोग ऐसे उठाते हैं टांगे बिल्कुल सीधी करके, तो आपने घुटने बेंड करने हैं और उसके बाद आपने बकेट को उठाना है, भरी हुई बाल्टी को, क्योंकि जितना आप अपने नी पे ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं उतने ही आपके जो नीज़ हैं वो टाइम से पहले ख़राब हो जाते हैं, ठीक है ना। और फिर जब बहुत लोग घुटने रिप्लेस करवाते हैं तो उनका भी कोई सोल्यूशन नहीं होता कि वो चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। नीचे जा रहे हैं ब्रीथ इन, ऊपर आ रहे हैं ब्रीथ आउट। ओके डन। तो यहां पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके लिए हमें 2 डंबल्स की यानी 2 वाटर बॉटल की रिक्वायरमेंट है, 1-1 लीटर की आप ले सकते हैं, ठीक है। फीट को आपने वाइड करना है जितने आपके शोल्डर हैं, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद में आपको पोजीशन बताती हूँ, ठीक है। हिप आपके बैक साइड पर रहेंगे, आपने अपनी बॉडी को बेंड करना है, अपर बॉडी को इस तरीके से डाउन अप। ठीक है, आपकी छाती जब नीचे जा रही है, शोल्डर आपकी गोल नहीं होगी, पीठ स्ट्रेट रहेगी, इस चीज़ का ध्यान आपने रखना है।
20 टाइम्स आपने इसको रिपीट करना है और करने हैं 4 सेट्स। ये बहुत अच्छी होती है, आपके हिप मसल को ग्रो करेगी अगर बहुत फ्लैटन है, और अगर बहुत एक्सेस फैट है तो उसको टोन करेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स। तो यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके लिए आपको अगेन चाहिए डंबल या फिर वाटर बॉटल। अब हम करेंगे सुमो स्क्वाट। इसके लिए आपने अपने पैरों को इस तरीके से वाइड करना है जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक है, आपने बॉटल को या फिर आपने डंबल को इस तरीके से होल्ड करना है। ठीक है, पैरों को आपने ये शेप देनी है ऐसे। अब आपने बेंड होना है, वही हिप को बैक साइड पे करते हुए। यहाँ पे हमने क्या पकड़ा था, स्क्वाट में ऐसे पकड़ा था, नीचे से हथेली रखी थी। अब हम इसको कैसे पकड़ेंगे, फिंगर से। ठीक है, हथेली साइड पे, ऊपर साइड पे रहेगी। 1, 2, 3 बाउंस मारना आपने अपनी बॉडी को, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करना लेग्स। अगेन आपके नीज थोड़े से बेंड रहेंगे। डाउन अप, ठीक है, थोड़ा फास्ट फास्ट करना है। बाकी सब एक्सरसाइज स्लो ही करनी चाहिए, क्योंकि स्लो का ही आपकी मसल पे इफेक्ट आता है। बहुत लोगों को आप देखेंगे फटाफट करके दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आपकी मसल पे लोड ही नहीं आता है और आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है, चाहे पेट की हो चाहे किसी बॉडी पार्ट की हो। आपको डंबल ये ही करना हो, ठीक है ना, तो भी आपको बहुत स्लो मोशन में करना है हर एक्सरसाइज को। एक बात को माइंड में सेट कर लीजिए हमेशा के लिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 20 और 4 सेट्स। रिलैक्स, आपकी यहाँ पे सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। गाइज आई होप कि आपको मेरा ये बेहतरीन सा वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो बस ऐसे ही हमेशा आपके लिए कुछ नया लाती रहूंगी और आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।